अभी तो जान पहचान हुई है अभी तो जान पहचान हुई है मुलाकात होना बाकी है अभी तो चलने की शुरुआत की है रफ्तार पकड़ना बाकी है अभी तो चलने की शुरुआत की है रफ्तार पकड़ना बाकी है अभी तो कहानी के कुछ पेज लिखे हैं, अभी तो कहानी के कुछ पेज लिखे हैं, पूरी कहानी होना बाकी है और अभी तो मंजिल की शुरुआत की है मंजिल का पूरा मुकाम बाकी है मंजिल का पूरा मुकाम बाकी है हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका फिजिक्स वाला की दुनिया में मैं हूं मोहन सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का रफ्तार नीट में तो आज बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल लेक्चर नंबर वन है हमारा बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है उसको पूरा समझ में आएगा

अब एबीसीडी के बगैर हमें पता है कि बुक तो 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 नहीं नहीं पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते सकते हम हम भाई एबीसीडी एबीसीडी के बगैर इंग्लिश लैंग्वेज है 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 उसको वो जरूरी चीज़ है। सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर समझना है, तो उसके ABCD हमें आने चाहिए बिल्कुल अच्छे से अगर एक बार एबीसीडी तो तो के लेक्चर्स को देखा अच्छे से पढ़ा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इजी आपको कुछ नहीं लगेगा ठीक है अब करना क्या होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से करने के लिए तो उसके कुछ पॉइंट है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसके प्रॉपर नोट्स बनाएंगे खुद से अपने नोट्स होने चाहिए दूसरा उस नोट्स में ऐसे कुछ पॉइंट हो जो आपको लगता है कि मेरे को जरूरत है लिखने की बाद में मुझे जरूरत पड़ेगी मैं भूल सकता हूं ठीक है या भूल सकती हूँ तो वो आप नोट डाउन करें अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन करें ठीक है तो वो सारी चीज हो गई उसके साथ में में प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है नोट्स नोट्स पढ़ने के बाद में, आप क्वेश्चंस की करिए में जब लेक्चर में पढ़ाते टाइम जो क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी जरूरी है ठीक है अब उसके बाद जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है या जो भी आपके पास बुक है मॉड्यूल है तो उसको बेटा अच्छे से सोल्व करे और जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो तो बेटा डाउट पूछे आप कमेंट में डाउट पूछ सकते हो ठीक है तो वो डाउट पूछना जरूरी है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कशन नहीं करोगे तो चीजों में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा पोर्सन है बेटा जिसमें गलत कॉन्सेप्ट से भी आपके सही आंसर आ जाएंगे ठीक है और आपको अभी पता लगेगा नहीं कि मैंने गलत कॉन्सेप्ट लगाया है बट एग्जाम में जब आप उस गलत कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सोल्व करोगे तो बेटा आंसर भी गलत ही आएगा ठीक है तो वो चीज कैसे एलिमिनेट एलिमिनेट होगी 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 वो चीज हमारी डिस्कशन डिस्कशन से बेटा? से से किससे बेटा लेक्चर ध्यान सुनेंगे तो सारी चीजें क्लियर होंगी मैं गारंटी देता हूं आपको कि बेटा अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इजी कुछ पोर्शन नहीं लगेगा ठीक है तो आज का जो बेटा जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास

छोटे से पोर्शन से ही आपको क्यूज के क्वेश्चन मिल जाएंगे मतलब कोई भी पार्ट बेसिक है ठीक है बट वो इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से तो सबसे पहला पॉइंट हमारे माइंड में यही आता है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है ये सारी चीजें क्या होती है सर ये बताए तो सबसे पहला आता है कि हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है तो देखो आप नाइन क्लास में पढ़ के आ चुके हो, hydrocarbon. तो hydrocarbon नेम जैसे हाइड्रोजन तो और, और, तो और मिलकर बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं हाइड्रोकार्बन तो बस इसी से हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और क्या है हमारे पास डेफिनेशन डेफिनेशन है बेटा हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन और

कार्बन तो हाइड्रोकार्बन होता है बेटा हमारे पास जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है क्या होता है बेटा कार्बन और हाइड्रोजन ठीक है ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन ओनली ये दो ही एटम होने चाहिए ठीक है तो उसको हम क्या बोलते हैं हाइड्रोकार्बन तो हाइड्रोकार्बन को जनरली हम डिनोट करते, है करते हैं आर एच से किससे डिनोट करते हैं बेटा आर एच से तो आर एच हो गए हमारे पास हाइड्रोकार्बन इसको मैंने बोला हाइड्रोकार्बन ठीक है सर हाइड्रोकार्बन तो क्लियर है अब आप हमें बताया कि सर डेरिवेटिव का क्या मतलब था तो डेरिवेटिव का मतलब यह है कि जो हाइड्रोकार्बन से डेराइव हो रहे कैसे होंगे मैं इधर से हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट कर दूंगा किसी दूसरे एटम से या ग्रुप से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आर एच की जगह आर एच की जगह इधर आर जी लगा देता हूं और जी क्या हो सकता है हमारे पास ये क्या है डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या है बेटा डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरीवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन सर ये जी क्या है तो बेटा जी इधर हो सकता है हमारे पास जी को बोल सकते हैं हम OH हो सकता है H को हटा के हमने क्या लगाया जी अब जी क्या हो सकता है OH हो सकता है मतलब जी की जगह OH रख सकता हूं मैं इधर SH हो सकता है NH2 हो सकता है ठीक है और क्या हो सकता है एक्स एक्स मतलब क्या है बेटा हेलोजन एक्स क्या है हेलोजन मतलब फ्लोरिन हो सकता है क्लोरीन हो सकता है ब्रोमीन हो सकता है आयोडीन हो सकता है तो इन सारे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं इनको हाइड्रोकार्बन का को और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव को इनको हम क्या बोलते हैं बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनकी ही स्टडी हम करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर है अब सबसे पहले बात आती है कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां मिलते हैं

जो साइंटिस्ट था उन्हें ठीक है हमें मतलब ऐसा नहीं कि हम लैब में कर रहे हैं ठीक है तो NH4CNO है ये मिलना चाहिए था बट जब इसकी हीट की तो फाइनल जो हमें प्रोडक्ट मिला तो वो क्या मिला बेटा यूरिया क्या मिला था यूरिया ठीक है अब देखो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या था हमारे पास NH4CNO एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या था हमारे पास एक्सपेक्टेड expected... एक्सपेक्टेड तो हमारे पास क्या था कि एक्सपेक्टेड तो सर सी एन सिंपल प्लस माइनस वाली रिएक्शन है है इधर ठीक ये एन एच फोर प्लस और एसओ फोर टू माइनस तो प्लस माइनस वाली रिएक्शन है ये एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था बट ये हमें नहीं मिला इसका नेम है अमोनियम साइनेट क्या नेम है बेटा अमोनियम साइनेट ठीक है तो ये नहीं मिला रिजल्ट क्या मिला हमें फाइनल रिजल्ट हमें मिला फाइनल रिजल्ट जो मिला वो क्या मिला बेटा यूरिया एनएच टू सी एन एच टू टू एन एच टू यूरिया मिला ठीक है ये क्या है हमारे पास यूरिया है। तो अब इससे हमें क्या पता लगा इससे हमें पता लगा सबसे पहला पॉइंट तो ये कि अभी तक जो लोग मानते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में फॉर्म नहीं कर सकते वो रॉन्ग है

और इसमें भी मेरे पास कितने नाइट्रोजन है दो मतलब अगर एन एच फोर सी एन ओ को मैं कैसे लिखू इसको एन लिखा और एच फोर है इसमें से दो हाइड्रोजन यूज कर रहा हूं बस ये लिखा मैंने एन एच कार्बन को कार्बन रखा इस नाइट्रोजन को हटा दिया इधर से और ऑक्सीजन ठीक है अब क्या हुआ मैंने इस नाइट्रोजन को हटाया मैं इस नाइट्रोजन को इधर रख रहा हूं ठीक है और ये एच फोर था एच टू यूज किया दो हाइड्रोजन और है तो ये क्या बन गया हमारे पास यूरिया ये क्या है यूरिया मतलब एटम्स इधर उधर ही हुए ठीक है तो इसी को हम क्या बोलते हैं आइसोमैरिज मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो बट कंपाउंड डिफरेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं आइसोमर्स और इस प्रॉपर्टी को आइसोमैरिज बोलते हैं क्लियर है बेटा तो इसका मतलब हुआ दूसरा हमें पता लगा कि हैंज में जैसा कुछ होता है क्लियर है भाई तो ये दो पॉइंट पता लगे हमें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं वो क्लियर है पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में फॉर्म हुआ वो क्या है हमारे पास यूरिया क्लियर है भाई चलिए अब बात करते हैं हम आगे

जैसे मान लो इधर भी बना दिया इसने इधर बना दिया इस टाइप से ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं सर हमें बट ये बताओ कि ये होती क्यों है कार्बन के साथ ही क्यों होती है इतनी तो उसके हमारे पास कुछ है से ये सेम चीज आप केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ोगे बट इधर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे रहा हूं कि कैटेनेशन क्या होता है और कैटेनेशन कार्बन में क्यों पाया जाता है तो कार्बन हैज स्ट्रोंगेस्ट टेंडेंसी टू शो कैटेनेशन ड्यू टू इसका रीजन क्या है एक तो कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है तो जिन बंधुओं को जिन बंधुओं को यह नहीं पता कि कार्बन चार बॉन्ड बनाता है वो समझ ले कि बेटा कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है चार बॉन्ड बनाएगा कार्बन कितने, कार्बन कितने कितने बॉन्ड बनाता है चार तो कार्बन की वैलेंसी क्या है टेट्रा वैलेंसी तो ज्यादा बॉन्ड बना सकता है इसलिए लिंकेज हो सकता है अगर मान लो कोई एटम एक ही बॉन्ड बनाए अगर मान लो मैं बोलूं कि भाई कार्बन एक ही बॉन्ड बना सकता तो ये हो गया अब क्या ये कार्बन नेक्स्ट वाले कार्बन के साथ अटैच हो सकता है नहीं क्यों क्योंकि अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि कार्बन एक ही बॉन्ड बनाएगा तो ये कार्बन ने तो दो बना लिया इसी वजह से हाइड्रोजन कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता है क्यों क्योंकि हाइड्रोजन दो बॉन्ड नहीं बना सकता एच एच ये तो ठीक है बट अगर इसके साथ करोगे तो इसको प्रॉब्लम है ये पॉसिबल नहीं है ये पॉसिबल नहीं, नहीं है क्यों क्योंकि हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है क्लियर है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन सकता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है क्यों क्योंकि कार्बन का साइज होता है छोटा कार्बन का साइज क्या होता है छोटा उसकी वजह से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है ठीक है अब अगर आप देखोगे तो सर कार्बन फैमिली का तो सिलिकॉन भी होता है सिलिकॉन भी तो बना सकता है अगर आप सेम ही ग्रुप की बात करोगे पीरियोडिक टेबल में तो कार्बन फैमिली का तो सिलिकॉन भी हो सकता है सिलिकॉन क्यों नहीं बना रहा तो सिलिकॉन इसलिए नहीं बना रहा बेटा क्योंकि जब आप सिलिकॉन में बॉन्ड बनाओगे तो देखो एस si आई और एस si, आई ये सिंगल बॉन्ड हो गया जब आप पाई बॉन्ड बनाओगे तो पाई बॉन्ड की जो ओवरलैपिंग होती है ये कैसी ओवरलैपिंग होती है बेटा वीक किसमें क्योंकि बेटा si si इसका लार्ज इसका साइज क्या होता है लार्ज होता है तो जब एटम्स पास पास होंगे कार्बन कार्बन का साइज कार्बन का साइज छोटा होता है पास पास रहेंगे ओवरलैपिंग पॉसिबल है इसीलिए

बॉन्ड एनर्जी अगर हमें देखनी है तो बॉन्ड एनर्जी के लिए क्या देखते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स के कितने बॉन्ड है इसका इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ हुआ यह कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो अगर मैं बॉन्ड एनर्जी की बात करूं किसकी बात करूं बेटा बॉन्ड एनर्जी की बात करूं तो जो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर आएगा देखो क्या है बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स या फिर बॉन्ड ऑर्डर या फिर बॉन्ड ऑर्डर या फिर इसको क्या बोल सकते हैं कोवेलेंसी क्लियर है तो अब हुआ क्या इधर एक बॉन्ड है इधर दो बॉन्ड है इधर तीन बॉन्ड है तो जितने ज्यादा बॉन्ड उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी तो ये हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा ऑब्वियस सी बात है देखो इधर एक बॉन्ड है इधर दो बॉन्ड है तो अगर मान लो कि एक बॉन्ड है उसको खींचो मान लो कि कोई एक रस्सी है

टर्म्स है जो हमें जरूरी है इनऑर्गेनिक की ही है ठीक है एक होता है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी है बहुत ज्यादा जरूरी है और उसी के साथ एक और होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है बेटा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो ये दोनों टर्म्स बहुत ज्यादा जरूरी होती है आई थिंक कॉपी कर लिया होगा बेटा आपने पॉज करके भी कर सकते हो कॉपी तो फिर ठीक है हाँ भाई अब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है वो सारी चीजें हम नहीं पढ़ेंगे हम सिर्फ ये देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कैसे करोगे आप ठीक है इधर सिर्फ हम ये देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कैसे करना है और जो जो हाइब्रिडाइजेशन हमें काम आएगा का, सिर्फ उतना ही डिस्कस करेंगे हम क्लियर है तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं स्टेरिक नंबर से किससे करते हैं बेटा स्टेरिक नंबर सर स्टेरिक नंबर क्या होता है तो स्टेरिक नंबर होता है हमारे पास बेटा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड या फिर इसको आप नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम भी बोल सकते हो एक ही बात है नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स प्लस लोन पेयर प्लस क्या रहेगा लोन पेयर तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा स्टेरिक नंबर

प्लस लोन पेयर अगर उसके पास पेयर है तो ठीक है फॉर एग्जाम्पल आप देखो अगर हमारे पास स्टेरिक नंबर अगर स्टेरिक नंबर कितना रहता है हमारे पास वन स्टेरिक नंबर क्या रहता है वन तो टाइप ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन साथ में कॉपी करते हुए चलेंगे बेटा तो अगर स्टेरिक नंबर क्या हमारे पास वन और क्या हो सकता है टू अच्छा सॉरी स्टेरिक नंबर सीरियल नंबर नहीं है पहले मैं बता देता हूं इधर लिख देता हूं पूरा पता चले सीरियल नंबर लग रहा है स्टेरिक नंबर तो स्टेरिक नंबर होगा हमारे पास टू थ्री फोर बस इतना ही यूज में आएगा हमारे पास टू थ्री फोर अगर स्टेरिक नंबर टू है तो हाइब्रिडाइजेशन डाइजेशन एक एस एक पी तो कितना आ जाएगा टू अच्छा इधर परसेंटेज एस करेक्टर भी लिख रहा हूं मैं परसेंटेज एस करेक्टर अब परसेंटेज एस करेक्टर अभी देखेंगे हम अगर स्टेरिक नंबर तीन रहेगा तो देखो एस ऑर्बिटल तो एक ही होता है इतना तो पता होगा आपको अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं एस ऑर्बिटल होते हैं एक पी में ऑर्बिटल होते हैं तीन डी में होते हैं पांच एफ में होते हैं सात और नंबर में होते हैं ठीक है तो एस में एक ही होता है तो अब अगर स्टेरिक नंबर तीन है तो एस का तो एक हो गया पी में कितने होते हैं तीन बट मेरे को तो टोटली तीन चाहिए

तो एक के पार्ट में कितना आएगा 50 तो परसेंटेज एस कितना आ जाएगा परसेंट. ठीक है अब इधर देखेंगे अब कितने लोग हैं इधर तीन दो तो पी के एक एस का टोटल कितने हैं तीन तीन में कितनों को कितना डिवाइड करना है 100 को तो 100 डिवाइडेड बाई थ्री करेंगे तो कितना आएगा 33.33 अब एस के लिए कितना आएगा एस एक है तो 33.33 .33 आ जाएगा अगर पी के लिए पूछते तो एक के लिए थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री दो के लिए डबल हो जाता तो अभी तो परसेंटेज ऐसे तो हो जाएगा अगर अब ये हमारे पास हो गया अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करें वो सारी देखेंगे ठीक है भाई तो ये आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें अब इसके बाद देखते हैं हम देखो टाइप ऑफ बॉन्ड्स क्या होते हैं हमारे पास सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और तीसरा होता है हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड तीसरा क्या होता है बेटा ट्रिपल बॉन्ड ठीक है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो अब इसमें हम देखेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड नंबर ऑफ सिग्मा एंड नंबर ऑफ पाई ये आपको पता होना चाहिए ठीक है अगर नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड की अगर मैं बात करूंगा तो मतलब ए और बी के बीच में सिंगल है तो ऐसा बना रहेगा ए और बी के बीच में अगर डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड को दो बॉन्ड से ए डबल बॉन्ड बी डबल मतलब दो अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो तीन लाइन होंगी वन टू थ्री गया ठीक है कोई भी दो एटम के बीच में एक से ज्यादा सिग्मा नहीं होता है कोई भी दो एटम के बीच में एक से ज्यादा सिग्मा होगा नहीं तो इसका मतलब सर अगर बॉन्ड है तो सिग्मा होगा ये भी पक्का है अगर बॉन्ड है तो सिग्मा होगा तो अगर ऑर्गेनिक की तो इसमें तो, इस तो, इस तो, तो पाई कितना होगा जीरो इधर हमारे पास दो बॉन्ड थे एक सिग्मा तो पाई कितना बचा एक और इधर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और पाई कितने आगे दो ठीक है अब हमें जब हाइब्रिडाइजेशन काउंट करेंगे तो उस वाले केस में ओनली कौन से बॉन्ड काउंट करने सिग्मा पाई के बारे में मैंने कुछ नहीं बोला था पाई काउंट नहीं बात सिग्मा करेंगे और लॉन काउंट करेंगे, है? अब, हम करेंगे अब इसके बाद अगर मैं एक पॉइंट और बताना चाहूंगा कि अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं कैसी बात करूं किसकी करूं बेटा स्ट्रक्चर की तो अगर एस हाइब्रिडाइजेशन है तो स्ट्रक्चर होती है लीनियर कैसी होती है बेटा लीनियर ठीक है और अगर मेरे पास sp2 टू है तो होती है प्लेनर प्लेनर में कौन सी ट्राइगोनल प्लेनर ट्राइगोनल प्लेनर ठीक है और sp3 थ्री होगी तो हमारे पास होगी टेट्राहेड्रल क्लियर है भाई क्या होगी बेटा टेट्राहेड्रल ये तीन पॉइंट और देखेंगे हम अब हम क्वेश्चंस करते हैं कुछ जिससे आपको पता लगे कि किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे ठीक है अब देखो फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे करेंगे सिंपल है बिल्कुल अगर मेरे को बोले कि सर CH4 का CH4 का हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन काउंट करो बताओ तो क्या करेंगे हम कार्बन है कार्बन चार कार्बन के बैलेंस सेल में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं चार बॉन्ड बना लिए मतलब बात खत्म हो गई क्लियर है अब इसमें अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करूंगा तो सबसे पहले माइंड में आएगा कि सर स्टेरिक नंबर फाइंड करेंगे तो स्टेरिक नंबर कितना है स्टेरिक नंबर सर

Number find करने करने के के लिए तो इस कार्बन के साथ अब ऐसे मत काउंट करने लग जाना तीन प्लस लोन पर है क्या नहीं है सर क्यों क्योंकि एक बॉन्ड दो बॉन्ड और दो बॉन्ड इधर बना रखे हैं सर चार बॉन्ड बना रखे हैं तो जीरो लोन पर है मतलब हाइप्रोडेशन कौन सा हो गया हमारे पास एस टू और टू के लिए जो ज्योमेट्री होती है हो, कौन सी होती है प्लेनर या ट्राइगोनल प्लेनर बोल सकते हो ठीक है बेटा ट्राइगोनल प्लेनर ठीक है अब इसके बाद हम बात करें सर इसका बताओ अब आप इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ तो इसमें अगर इसका भी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करोगे तो बेटा इसका भी sp2 टू आएगा अब अगर इसमें हम फाइंड करें तो इस वाले में क्या होगा हमारे पास सर ये कार्बन है तो इस कार्बन के पास एक सराउंडिंग एटम ये

तो आप जल्दी से करेंगे क्वेश्चन को ठीक है चलिए भाई क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप से है हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है आपको ऐसे नहीं करेंगे अभी सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री ठीक है इसमें किस किस का फाइंड करना है एक तो इस कार्बन का और एक इस कार्बन का इन दोनों का फाइंड करना है है तो वीडियो पॉज करेंगे करेंगे और फिर ठीक को ऐसे भी लिख सकते हैं हम अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है ठीक है कैसे लिख सकते बेटा इस कार्बन के साथ क्या है तीन हाइड्रोजन तो H H H इसके बाद क्या हमारे पास C के साथ दो H है तो दो H कनेक्ट कर दिए फिर ये सिंगल बॉन्ड के साथ C H डबल बॉन्ड सी एच और सी एच थ्री किस किस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है नंबर वन एंड नंबर थ्री तो अब इसका अगर देखेंगे तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे बेटा इसके लिए करो भाई फाइंड वीडियो पॉज करके करेंगे तो सर सबसे पहले स्टेरिक नंबर फाइंड करेंगे स्टेरिक नंबर कितना होगा कार्बन के सराउंडिंग एटम एक दो तीन चार चार हो गए सर चार हो गए तो लोन पेयर का कोई मतलब ही नहीं है तो इसका इसकाशन हो गया एस पी थ्री सिमिलरली सर इस कार्बन के लिए देखेंगे तो इस कार्बन के लिए क्या आएगा हमारे पास सर स्टेरिक नंबर देखेंगे तो स्टेरिक नंबर सराउंडिंग एटम एक दो और ये तीन प्लस लोन पेयर है क्या नहीं है सर चार बॉन्ड हो गए दो तो ये रहे एक और एक टोटल चार तो, थ्री प्लस जीरो, तो इसका कार्बन इसमें प्लेनर होंगे तो आप क्या बोलोगे कि सर ये प्लेनर होगा और ये भी प्लेनर होगा क्योंकि इसका भी एसपी टू आएगा क्लियर है भाई तो ये इस टाइप से भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है ठीक है कर लोगे बेटा इस टाइप से क्वेश्चंस ठीक है अब बात आती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की किसकी बात आती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती क्या है आप सबसे पहले ये समझेंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है बेटा ये हमारे पास एक कंपाउंड है मतलब एक मॉलिक्यूल है मान लो ए बी ठीक है ये हमारे पास एक कंपाउंड बोल दिया मैंने ए बी कंपाउंड है ठीक है अब इसमें बॉन्ड बना हुआ है तो बॉन्ड बना हुआ है तो इस बॉन्ड में क्या होगा जब बॉन्ड बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन ए का है एक इलेक्ट्रॉन बी का है एक इलेक्ट्रॉन किसका है ए का है दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका है बी का है ठीक है अब होगा क्या कि इन दोनों ने साझेदारी से ठीक है दोनों ने शेयरिंग की एक एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लिया बट अब बाद में क्या होता है कि इस बॉन्ड को इसके पास भाई देखो ए का कुछ न्यूक्लियस होगा ए एटम है बी भी, भी एटम है इनका न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं तो ए का ए का न्यूक्लियस इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है बी का न्यूक्लियस अपने अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इन दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं बेटा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ये हो गया हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वही क्या होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होती हो इलेक्ट्रॉन

परसेंटेज एस करेक्टर के परसेंटेज एस करेक्टर के चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बोलू कि परसेंट पी हाइब्रोडाइज की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी पी टू से और पी टू की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी एसपी थ्री से क्यों क्योंकि अगर मैं परसेंटेज एस करेक्टर की बात करता हूं परसेंटेज एस कैरेक्टर कितने हैं एसपी में हमारे पास 50 है इसमें थर्टी थ्री इस पॉइंटी फाइव परसेंट है बात समझ बेटा तो जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होंगे उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी क्लियर है ये रीजन हम इलेक्ट्रो उसमें इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं बेटा ठीक है तो उस डिटेल में नहीं जाएंगे हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जिस एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव होगा जिसकी कम होगी उसके ऊपर प्लस होगा और हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसे देखेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी परसेंटेज एस कैरेक्टर के उसके अलावा हमारे पास जो एटम यूज एम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमें पता होनी चाहिए वो होती है ऑक्सीजन से ऑक्सीजन की ज्यादा होती है नाइट्रोजन से और नाइट्रोजन की ज्यादा होती है कार्बन से लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है सर लेफ्ट टू राइट कहां जाना है इधर नहीं नहीं इधर की बात नहीं कर रहा हूं मैं

ये जो भी है जिसकी हमें नीड थी वो बेटा मैंने कर दिया है ठीक है अब आगे हमारे पास की सर ये चीज हो गई अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन आता है ठीक है मैंने हाइब्रिडाइजेशन बता दिया जिसकी बहुत ज्यादा नीड होने वाली थी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बता दिया एक टर्म और आएगी आपको मोलिकुलर फॉर्मूला मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है बेटा मोलिकुलर फॉर्मूला हमें बताता है कि कोई भी जो मोलिक्यूल है उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने कौन सा एटम किसके साथ कनेक्टेड है इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता है कौन सा एटम किसके साथ कनेक्टेड है इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता है ये सिर्फ इतना बताता है कि इसमें इतने नंबर ऑफ कार्बन होंगे इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन होंगे इतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि मिथेनोल या सिंपल बोले मिथेन तो मिथेन का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है सी एच फोर ठीक है अब आपको यह नहीं बताएगा कि हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ कनेक्टेड है या नहीं है ठीक है अगर मैं आपको बोलून इथेन, तो इथेन का अगर मोलिकुलर फॉर्मूला है तो इथेन का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C2H6. अब ये आपको यह ये नहीं बता रहा कि यह सिर्फ इतना बता रहा है कि दो कार्बन है छह हाइड्रोजन है कौन किसके साथ कनेक्टेड है उसका हमें कुछ नहीं पता बात समझवा रही है बेटा ग्लूकोज ग्लूकोज का तो आपने बहुत नाम सुना होगा ग्लूकोज बोतल ठीक है तो ग्लूकोज क्या होता है बेटा सी सिक्स नहीं बता रहा कनेक्टेड है? 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 है हमें सिर्फ और सिर्फ इतना पता है कि मिथेन में एक कार्बन चार हाइड्रोजन होते हैं मोलिकुलर फॉर्मुला इतनी इंफॉर्मेशन देगा इथेन में दो कार्बन छ हाइड्रोजन होते हैं ग्लूकोज में छह कार्बन छह ऑक्सीजन और बारह हाइड्रोजन होते हैं क्लियर है बेटा तो ये सिर्फ किसके बारे में बताता है नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताता है, है. किसके बारे में नहीं बताता देयर कनेक्टिविटी ठीक है डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट देयर कनेक्टिविटी ठीक है अब ये बात हो गई तो अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि सर ये अब जितनी भी हमें बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए थी वो हो, हो गई है बेटा अब आता है कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आ गया आपने बता दिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें क्या बताता है कंपाउंड के बारे में बताता है कनेक्टिविटी के बारे में नहीं बताता तो सर कनेक्टिविटी कहां मिलेगी कनेक्टिविटी कहां मिलेगी तो कनेक्टिविटी मिलेगी बेटा अभी हम अब तो पढ़ने वाले हैं कि compound, कि उस सारी चीज का हमें कैसे पता लगेगा वो अभी हम डिस्कस करने वाले तो नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड तो काफी तरीके से मतलब मेनली तीन तरीके तीन मेथड होते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंट करने के तो हम एक एक करके पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा वो हमारा सबसे लास्ट में होगा ठीक है बट ये सारे मेथड भी हमें आने चाहिए तो सबसे फर्स्ट है हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नेम से ही पता चल रहा है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब जो कंपाउंड है उसके बारे में कंप्लीट बताएगा ये ठीक है तो होता गया हमारे पास जितने भी बॉन्ड होंगे इसमें क्या होगा हमारे पास ऑल बॉन्ड्स आर विजिबल सारे के सारे बॉन्ड्स विजिबल होंगे जितने भी बॉन्ड होंगे सब पता लगेगा एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन हिट्रो एटम्स जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हिट्रो एटम पर वो विजिबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते वो डिपेंड करेगा मतलब आप दिखा भी सकते हो नहीं भी दिखा सकते आपकी चॉइस है नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये हिट्रो एटम है हिट्रो एटम किसको बोलते हैं बेटा हिट्रो एटम बोलते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो एटम होते हैं उनको क्या बोलते हैं हिट्रो एटम मतलब बेसिकली कार्बन के अलावा जो एटम होते हैं उनको हिट्रो एटम बोलते हैं हाइड्रोजन की तो हम बात ही नहीं करते उस वाले केस में तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर एक्स मतलब क्या है बेटा ठीक है एग्जाम्पल के लिए अगर मैं देखू तो अगर कोई बोले आपको मिथेन तो मिथेन का आपको क्या बताना है बेटा या मिथेन नहीं लेते हम इथेन लेते हैं इथेन इथेन का अगर हमें कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C2H6 क्या होता है बेटा C2H6 अब अगर इसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप लिखोगे तो किस टाइप से लिखोगे ये होगा इसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सारी इंफॉर्मेशन देगा आपको दो कार्बन है इसके साथ एक हाइड्रोजन 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 जितने भी बॉन्ड्स थे सारे के सारे विजिबल है कार्बन चार बॉन्ड बना सकता है कार्बन ने चार बना रखे हैं हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना सकता है हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना रखा है क्लियर है और अगर एग्जाम्पल ले हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं भाई एग्जाम्पल नंबर टू इथिन 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 क्या होता है हमारे पास सी टू एच फोर तो अगर इसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना हो हमें तो उस वाले केस में क्या आएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एच 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 ये हमारे पास क्या आ गया इथिन का कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कार्बन कार्बन बॉन्ड भी हमें विजिबल है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी विजिबल है ठीक है जितने भी बॉन्ड्स थे सारे के सारे विजिबल है और एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं मैं हिट्रो एटम वाला भी एग्जाम्पल ले लेते हैं मान लो मिथेनोल मिथेनोल में क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला होता है सी एच थ्री ओ एच क्या होता है बेटा सी एच थ्री ओ एच इसमें क्या आएगा हमारे पास ये कार्बन है हाइड्रोजन 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 छह इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से कितनों ने बॉन्ड बना रखा है दो तो बना लिए. कितने इलेक्ट्रॉन बचे चार मतलब लोन पेयर कितने बचेंगे दो तो एक और ये दो तो ये तो आप दिखा भी सकते हो नहीं भी दिखा सकते आपके चॉइस है खुद की कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें तो ये हमारे पास होता है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्लियर है भाई तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बिल्कुल इजी है कुछ भी नहीं करना जितने बॉन्ड से सारे के सारे विजिबल करवा देने अपन को ठीक है नेक्स्ट आता है हमारे पास कंडेंस कंडेंस स्ट्रक्चरल हो गया थोड़ा क्या हो गया बेटा कंडेंस इसमें क्या होगा इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स अटैच टू एन एटम बाय ए सबस्क्रिप्ट इसका क्या मतलब हुआ देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं इथेन की बात करता हूं किसकी बात करता हूं एग्जांपल लेते हैं हम इथेन का इतेन। इतेन का फॉर्मूला क्या होता है C2H6. तो इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं सी एच थ्री सब्सक्रिप्ट में गया तीन हाइड्रोजन थे सिमिलर तो मैंने ऐसे लिख लिख दिया दिया इधर भी क्या ठीक है मतलब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो कभी भी विजिबल नहीं होगा इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कभी भी विजिबल नहीं कराते सी एच थ्री सी एच थ्री क्या हो गया हमारे पास कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया क्लियर है भाई और अगर मान लो आपको लिखना हो ब्यूटेन का ये फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है अभी आपको सारी चीजें सीख जाओगे आप ब्यूटेन मतलब क्या होता है बेटा सी फॉर एच टेन तो सी फॉर एच टेन का क्या हो गया हमारे पास सी इधर आ गया एच थ्री फिर आ गया हमारे पास सी एच टू फिर आ गया हमारे पास सी एच टू और फिर आ गया हमारे पास सी एच थ्री तो ये क्या हो गया कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एल्कीन में अगर लिखना चाहो किसी का मान लो कि सर प्रोपीन का लिखा हो आप एग्जाम्पल देखते हैं हम प्रोपीन 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 क्या होता है बेटा प्रोपीन होता है हमारे पास C3H6 प्रोप का मतलब आपने पढ़ा होगा 9th 10th में पढ़ा इतना तो प्रोप मतलब तीन कार्बन तो प्रोपीन क्या होगा हमारे पास C डबल बॉन्ड C C H3 इधर होता है हमारे पास CH2 और इधर आ गया एक H ठीक है तो ये हमारे पास आ गया बेटा प्रोपीन ठीक है तो ये कौन से फार्मूला है कंडेंस्ड फार्मूला ठीक है बिल्कुल इजी है कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा ठीक है अब सबसे लास्ट जो हमारे पास है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है बॉन्ड बॉन्ड लाइन लाइन स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल क्या है बेटा अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या होगा हमारे पास वो सारी चीजें हम देखेंगे सबसे पहली बात है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज नेवर सोन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हम कभी भी नहीं दिखाते हैं पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड्स एंड सॉरी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स एंड बॉन्ड्स विद हिट्रो आर विजिबल कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड दिखेगा और कार्बन और ऑक्स मतलब एटम के बीच में जो बॉन्ड है वो भी विजिबल होंगे अब किस टाइप से विजिबल करते हैं अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तो उसको एक लाइन से वन लाइन से सिंगल बॉन्ड को अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है तो टू लाइन से टू लाइन मतलब इस टाइप से सिंगल बॉन्ड है मतलब एक लाइन क्या हो गया हमारे पास ये और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको तीन लाइन से ठीक है ये हो गया हमारे पास अब फॉर एग्जांपल देखो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम सबसे पहले हाइड्रोजन वगैरह दिखाने ही नहीं है हाइड्रोजन दिखाने ही नहीं है आपको सिंपल बॉन्ड्स दिखाने हैं कार्बन की वैलेंसी खुद से हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर देगा वो अंडरस्टूड बात होगी उसमें आपको कोई हस्तक्षेप नहीं करना है हस्तक्षेप मतलब समझ रहे हो ना इंटरफेयर नहीं करना है उसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है वो कॉमन सेंस रहेगा सामने वाले को देखने के लिए कि हाँ अगर इस टाइप से फॉर्मूला लिखा हुआ है तो बैलेंस ही कौन कंप्लीट करेगा हाइड्रोजन फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो सी एच थ्री सी एच थ्री है हमारे पास ठीक है ये कंडेंस फॉर्मूला है अगर इस कंडेंस फॉर्मूले को मैं कौन सा फॉर्मूला लिखू बेटा अगर इसकी हम कौन सी फॉर्म लिखे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखे अगर कौन सा लिखे बेटा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला

तो तीन का देख लेते हैं भाई तीन का अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा इधर देखो सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री इसका बना के दिखाओ सर तो इसमें भी बिल्कुल सिंपल है जिग जैग मोशन में करना है हमें क्या करना है तीन कार्बन है तो ये आ गया एक कार्बन इधर है एक कार्बन इधर है एक कार्बन इधर है, है अच्छा इधर सिंगल लाइन ही क्यों लगी है क्योंकि इधर बॉन्ड सिंगल है इधर भी बॉन्ड सिंगल है इसलिए सिंगल आया ये कार्बन लिखने की जरूरत नहीं है अब इस कार्बन के साथ बाकी के तीन हाइड्रोजन है तो टर्मिनल में अगर कभी भी कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ है मतलब सिंगल लाइन है उसका मतलब हमेशा सी एच थ्री होता है क्या होता है बेटा सी एच थ्री क्योंकि तभी वैलेंसी कंप्लीट होगी क्लियर है बेटा ये चीज समझ में आती है बिल्कुल सिंपल है क्या करना है आपको कार्बन काउंट कर लेना है कार्बन के अकॉर्डिंग हमें जिग जैग मोशन में कर देना है तीन कार्बन है तो एक दो तीन क्लियर है अगर चार कार्बन होते अगर मेरे पास चार कार्बन होते तो चार कार्बन के लिए क्या करते हम अगर चार कार्बन होते तो चार कार्बन के लिए क्या करते भाई चार कार्बन के लिए वन टू थ्री वन टू थ्री फोर ऐसा कर सकते थे और कोई ऐसा भी कर सकता था ये भी चार कार्बन है जिग जैग मोशन में कैसे भी करो कहां कहां पर कार्बन है एक दो तीन चार मतलब जहां पर भी एक लाइन जा रही है मैंने मान लो स्ट्रेट लाइन खींचना स्टार्ट किया अगर जहां पर रुक रहा हूं मैं दूसरी लाइन पे जाने के लिए मेरे को रुकना पड़ रहा है घूमना पड़ रहा है वो ही पॉइंट क्या होगा हमारे पास कार्बन होगा क्लियर है भाई तो चार कार्बन के लिए ये होगा अगर इसको फार्मूला लिखूं मैं इसका तो ये क्या है C4H10 क्या है बेटा ये C4H10 क्लियर है और बनाते हैं ये देखो सर डबल बॉन्ड वाला बताओ कोई डबल बॉन्ड वाला क्या होगा हमारे पास मान लो कि अगर आपको कोई बोले सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री सी एच थ्री बनाओ सर तो क्या करोगे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड जिधर डबल बॉन्ड है वो करना हमें कितने कार्बन है पहले स्ट्रेट वाले चेन में देख लो एक दो तीन चार चार कार्बन है तो चार कार्बन कैसे बनाए एक दो ये बन गए सर चार कार्बन अब हमारे पास डबल बॉन्ड किसमें दो और तीन के बीच में डबल बॉन्ड है तो दो और तीन के बीच में डबल बॉन्ड ये बना दिया मैंने अब ध्यान रखना ये बॉन्ड पूरा बनाओगे आधा आधाधूरा नहीं बनाओगे ठीक है उससे प्रॉब्लम हो जाएगी क्या प्रॉब्लम होगी वो भी बताऊंगा मैं तो मेरे पास ये आ गया अब इसके बाद तीसरे वाले कार्बन पे क्या है सर एक कार्बन और है सिंगल बॉन्ड के साथ तो ये मैंने ये मैंने लाइन खींच दी लो सिंपल क्लियर है ना भाई और देख लो क्या होगा हमारे पास सर हेटरो आइटम वाला बताओ गई हेटरो आइटम वाला देख लो सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच मान लो ये है तो इसमें क्या करोगे आप पहले कार्बन काउंट करो वन टू थ्री फोर चार कार्बन दो तीन चार चार हो गए अब चार में देखो इधर तो सिंगल बॉन्ड है वन टू थ्री वन टू थ्री तीन सिंगल बॉन्ड है अब इसके बाद इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन कनेक्टेड है ऑक्सीजन कर दो तो.

एटम के साथ कनेक्टेड है मतलब अदर देन कार्बन एटम के साथ है तो वो आपको लिखना पड़ेगा क्लियर है भाई ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं साइक्लिक कंपाउंड का क्या कहना है सर ये हमारे पास सी एच टू ये हमारे पास सी एच टू ये हमारे पास सी एच टू इसके बारे में बताओ तो कुछ नहीं करना तीन कार्बन है सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है इसको तो अच्छा बनाते हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और टेक्नोलॉजी का यूज करके ये बना दिया ये हमारे पास बन गया बेटा ये सेम है क्लियर है भाई क्लियर है चीज और बनाए चलो और देखते हैं खुद से बनाना है वीडियो पॉज करो और खुद से बनाओ बेटा चलो देखो इसमें आप मिस्टेक करोगे देखो मैं पहले से बता रहा हूं इस वाले के आपको काउंट करने कि कितने कार्बन है जो भी मैं बना रहा हूं इसमें काउंट कि कितने कार्बन है आपको सिंपल काउंट करना है कि कार्बन कितने हैं। चलो भाई करो जल्दी से वीडियो पॉज करके करो तो क्या होगा आप देखो अगर इसको आपको लिखना है तो मैंने बताया कि जहां पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा सिंगल लाइन मिलेगी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा डबल लाइन दिखेगी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ट्रिपल लाइन दिखेगी तीन लाइन दिखेंगी

और इस कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है कहां तक इस तक मतलब इधर एक कार्बन होगा और फिर सिंगल बॉन्ड के साथ एक कार्बन कनेक्टेड है तो यह फॉर्मूला बनेगा अब आप सेटिस्फाई कर देते हैं कार्बन के साथ कितना कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है चार तो चार तो के लिए CH3। ये चार बनाता है तीन और एक चार बना रखे तीन और एक चार बना रखे इधर के आगे सी एच थ्री तो इस टाइप से करना है तो बेटा इसीलिए मैं बोल रहा था कि जहां पर कंप्लीट बॉन्ड आएगा कंप्लीट रहेगा अगर जहां पर आधा अधूरा है तो आधा अधूरा ही रहेगा क्लियर है और देखो करो भाई इसको तो इसको किस टाइप से बनाओगे बनाओ अच्छा इसमें नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड तो आप इसका पहले कंडेंस फॉर्मूला हमारे पास गिवन है हम कौन सा बनाएंगे लाइन वाला बनाओ उसके बाद आप क्या करेंगे बेटा इसमें सिग्मा और पाई भी काउंट करो तब तक मैं इसमें करता हूं तो इधर अगर हम देखेंगे तो देखो सिग्मा कौन से है। ये हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड के साथ ही होते हैं तो अगर आपको इससे नहीं पता लग रहा है तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख लो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एक्सपेंडेड मतलब कंप्लीट स्ट्रक्चरल तो तो अगर वो लिखोगे तो आप क्या आएगा इसको हम लिख सकते हैं सी के साथ क्या है बेटा इधर लिखेंगे हम देखो इधर लिख रहा हूं मैं सी के साथ तीन हाइड्रोजन एक दो तीन उसके बाद क्या है सिंगल बॉन्ड फिर ट्रिपल बॉन्ड फिर सिंगल बोड सी के साथ तीन. तो क्या हो गया हमारे पास अब देखो सिंगल बॉन्ड देखेंगे तो सबसे पहले pi bond देखो। मैंने बताया था। pi bond कब आएगा? जब double bond या होगा। तो इधर क्या क्या है? <T diagnose meltática> है में होता हमारे पास? एक सिग्मा दो पाई अब इसके बाद एक दो तीन चार एक सिग्मा इसमें भी है फिर से नहीं कर रहे हम चार ही हो गए पांच छह सात आठ आठ सिग्मा ये हो गए एक ही हो गया तो टोटल नौ सिग्मा और दो पाई ठीक है ये आ गया हमारे पास इसका अब इसमें देखोगे तो इसकी कंडेंस फॉर्म कैसे लिखोगे एक दो तीन चार पांच छह कार्बन है सर तो छह कार्बन की स्ट्रक्चर हमने बना दी है अब इसके बाद डबल बॉन्ड किधर है इधर डबल बॉन्ड है अल्टरनेट डबल बॉन्ड दे रखे हैं सर ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड बना दिए क्लियर है भाई तो ये हमारे पास बन गया अब अगर इसमें हाइड सिग्मा बॉन्ड काउंट करने तो सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या करोगे जितने भी हाइड्रोजन है सब सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है जितने भी हाइड्रोजन है सब किसके साथ कनेक्टेड है के साथ। चलो मैं फिर से बनाता हूं बनाएंगे हम देखो क्या बनेगा सी 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 आ गया हमारे पास तो इधर एक एच एक एच एक एच एक एच एक एच एक एच ये रखा है, सर एक है, एक है, एक है। तो नहीं है डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई तो इधर हमारे पास तीन डबल बॉन्ड है मतलब तीन तो पाई हो गए तो मैं इधर लिख दूंगा तीन पाई प्लस अब हम सिग्मा काउंट करेंगे तो सिग्मा एक दो तीन चार पांच छ पहले बार बार वाले काउंट कर लिए अब कहीं से भी स्टार्ट हो जाओ हो गए एक इसमें होगा सात आठ नो दस ग्यारह बारह बोलो भाई कितने हो गए बारह सिग्मा और तीन पाई बोलो भाई क्लियर है बात ठीक है तो इस टाइप से आप सिग्मा और पाई बॉन्ड भी काउंट करना आना चाहिए ठीक है अब इसके बाद हम देखते हैं ये हमारे पास समझ में आ गया कि, कि कंडेंस फॉर्मूला क्या होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होती है हमारे पास तो ये सारी स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए ठीक है और करा देता तो हूं मैं आपको एक मान लो कि आपको कभी इसमें काउंट करना हो कि सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करो भाई जल्दी से सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करें नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई करो जल्दी से नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड्स काउंट करोगे उसके लिए कार्बन तो काउंट करेंगे तो सर एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन इधर कार्बन है क्या? नहीं, सर, तीन चार इधर कार्बन है क्या हाँ सर इधर कार्बन है, हाँ, सर, इधर कार्बन है क्योंकि अधूरा बॉन्ड नहीं होता है तो चार पांच एक दो तीन चार एक दो तीन चार पांच छह कार्बन हो गए तो लिखेंगे हम एक दो तीन चार पांच छ कार्बन कर दिए अब इधर से स्टार्ट हो जाओ पहले दूसरे के बीच में सिंगल दूसरे तीसरे के बीच में सिंगल तीसरे पर डबल बॉन्ड आ रखा है तो तीसरे पर डबल बॉन्ड के साथ ओ तीसरे चौथे में कोई प्रॉब्लम नहीं है फोर्थ फिफ्थ में भी कोई नहीं फिफ्थ और सिक्स में इधर डबल बॉन्ड अब बाकी की बैलेंसी किससे कंप्लीट करेंगे हाइड्रोजन से तो कार्बन की बैलेंसी होती है चार बॉन्ड काउंट कर लो इधर एक है मतलब इधर तीन हाइड्रोजन इधर इसने दो बॉन्ड बना रखे मतलब दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दे क्या भाई अरे बोलो लगेगा नहीं लगेगा नहीं लगेगा एक दो तीन चार और रखे हैं इस पे सर लगेंगे इधर तो दो लगा सकते हैं हम इधर बोलो भाई इधर तो सर एक ही लगेगा तो एक इधर इधर सर दो लग सकते हैं तो अब हम सिग्मा और पाई कर लेते हैं पाई तो आपको दिख गए होंगे पाई कितने है? सर एक तो पाई इसमें है डबल बॉन्ड एक इसमें है तो पाई तो हो गए सर दो सिग्मा कितने होंगे सिग्मा काउंट कर लेंगे देखो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ इसमें एक तो पाई होगा एक सिग्मा है आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन कितने हो गए बेटा सिक्सटीन तो सिग्मा हो गए सिक्सटीन और पाई कितने हो गए दो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन क्लियर है भाई तो इस टाइप से हम आई थिंक क्वेश्चन कर सकते हैं अब इसके बाद कुछ ट्रम्स है जो हमारे पास बहुत ज्यादा यूज होने वाली है जैसे कार्बन का डिग्री कितना होगा ये हमारे पास वन डिग्री है टू डिग्री है थ्री डिग्री है इस टाइप से हाइड्रोजन का डिग्री एल्कोहल का डिग्री एमाइन का डिग्री ठीक है ये सारी चीजें बहुत ज्यादा यूज होने वाली है तो अब हम पढ़ते हैं डिग्री ऑफ कार्बन नेक्स्ट है हमारे पास डिग्री ऑफ कार्बन ठीक है तो डिग्री ऑफ कार्बन क्या होगा हमारे पास वन डिग्री हो सकता है टू डिग्री हो सकता है थ्री डिग्री हो सकता है फोर डिग्री हो सकता है वन डिग्री को क्या बोलते हैं हम प्राइमरी वन डिग्री को क्या बोलते हैं बेटा प्राइमरी कार्बन ठीक है अब प्राइमरी क्या है हमारे पास प्राइमरी कार्बन उसको बोलेंगे जो डायरेक्टली एक कार्बन के साथ कनेक्टेड है जो जो डायरेक्टली डायरेक्टली एक कार्बन के साथ कनेक्टेड है उसको प्राइमरी दो कार्बन के साथ कनेक्टेड है उसको सेकेंडरी मतलब टू डिग्री जो डायरेक्टली तीन कार्बन के साथ कनेक्टेड है उसको टर्सरी मतलब थ्री डिग्री और जो चार कार्बन के साथ कनेक्टेड है उसको क्वार्टनरी मतलब फोर डिग्री बात समझ मैं एग्जाम्पल से देखे बेटा कंडेंस वाला फॉर्मूला लिखता हूं ये आपको एक कंपाउंड बना रखा है इसमें आपको बताना है कि कार्बन का डिग्री कितना होगा कार्बन का डिग्री कितना होगा अच्छा और अच्छा बना देता हूं मैं इसको ये आ गया हमारे पास ठीक है तो इसमें कार्बन के डिग्री बताने आपको तो सबसे पहले तो हम कार्बन बनाएंगे तो कार्बन बनाए सर इधर कार्बन इधर कार्बन इधर कार्बन ये कार्बन, इधर कार्बन. कार्बन 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 ठीक है तो अब हम देखेंगे वन डिग्री कार्बन कितने हैं थ्री डिग्री कितने सब पे लिख ही देंगे हम ठीक है अब देखो भाई ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ अटैच है कार्बन ही देखना है तो ये सर एक कार्बन के साथ अटैच है तो मतलब वन डिग्री हो गया <coughs> ये कार्बन सर दो बॉन्ड तो ये हो गए एक बॉन्ड ये हो गया भाई दो बॉन्ड के साथ तो इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड के साथ इससे सर थ्री डिग्री हो गया नहीं बेटा मैंने ऐसा बोला नहीं कि बॉन्ड काउंट करने आपको काउंट करना है कि कितने कार्बन के साथ कनेक्टेड है क्या काउंट करना है कितने कार्बन तो तो एक ये, एक ये, एक कार्बन 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 ये एक ये ये तो कितने के साथ दो कार्बन तो ये डिग्री हो गया टू इसको देखेंगे एक ये एक ये इसका डिग्री क्या हो गया टू इसको अगर देखेंगे एक ये एक ये इसका डिग्री क्या हो गया टू इसको अगर देखेंगे सर एक ये तो इसका डिग्री कितना हो गया थ्री इसमें अगर देखोगे वन टू थ्री फोर कितना डिग्री हो गया चार ये कार्बन इसके साथ तो ये वन डिग्री ये भी वन डिग्री ये भी वन डिग्री ठीक है वन डिग्री को प्राइमरी बोलते हैं टू डिग्री को सेकेंडरी बोलते हैं थ्री डिग्री को टर्सरी बोलते हैं और फोर डिग्री को क्वार्टनरी बोलते हैं क्लियर है बेटा तो आई थिंक डिग्री समझ में आ गया होगा अच्छे से क्वेश्चन कर लेता हूं एक और कराता हूं मैं आपको बढ़िया सा क्या होगा हमारे पास देखो भाई चलो कार्बन की डिग्री बताओ कौन सा कार्बन कितना कितना जल्दी से मार्क कर दो आप खुद से ठीक है वीडियो पॉज करके करेंगे तो मैं अभी करता हूं इधर एक कार्बन इधर कार्बन इधर कार्बन इधर कार्बन 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 ठीक है अब देखेंगे हम ये कार्बन कितने के साथ एक दो टू डिग्री ये कार्बन इसके साथ इसके साथ टू डिग्री ये कार्बन वन टू दो के साथ ही है तो ये भी टू डिग्री सर थ्री तीन के साथ है कौन कौन सा एक दो तीन तो तीन है तो बेटा तीन कर दो तो कितना हो गया थ्री डिग्री ऐसा नहीं सर जो लिख रहे हैं वो लिखना है ठीक है भाई सर जो बता रहे हैं वो अच्छे से सुनना है इस कार्बन को देखेंगे एक दो तीन चार कितना हो गया बेटा फोर डिग्री इसको देखेंगे अकेला पड़ा है बेचारा वन डिग्री इसके साथ एक दो टू डिग्री ये भी इसके जैसा ही है टू डिग्री ये टू डिग्री ये टू डिग्री ये टू डिग्री क्लियर है बेटा तो आप डिग्री बता सकते हो मेरे हिसाब से क्लियर है भाई तो कितना वन डिग्री होगा टू डिग्री होगा थ्री डिग्री होगा फोर डिग्री होगा सारे कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि बस अब आपको यह करना है कि एक कार्बन को पकड़ना है और देखना है कि पास में कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच है बॉन्ड्स काउंट नहीं करने डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच है क्लियर है भाई अब आता है हमारे पास डिग्री ऑफ हाइड्रोजन बहुत सिंपल है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन सिंपल ये बोल रहा है हाइड्रोजन से अगर पूछते हो कि भैया कितना डिग्री है तो बोलता है कि भैया अपन को तो ये देख लो कि हम किसके साथ कनेक्टेड है उसका जो डिग्री होगा वही हमारा होगा मतलब जिस कार्बन के साथ वो कनेक्टेड है उसका जो डिग्री होगा वही हाइड्रोजन का होगा तो डिग्री ऑफ कार्बन इट इज अटैच विद जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है वही डिग्री उसका होगा जो कार्बन का है एग्जाम्पल देखे भाई एग्जाम्पल अगर मैं देखू तो देखो सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच सी एच टू सी एच थ्री सी एच थ्री और ये आ गया हमारे पास सी एच थ्री मान लो ये दे रखा है और इसमें पूछा है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन बताना है तो अब देखेंगे ये कितने डिग्री कार्बन एक डिग्री कार्बन तो ये भी क्या हो गया बेटा वन डिग्री हाइड्रोजन क्यों क्योंकि इस कार्बन का डिग्री क्या है वन तो हाइड्रोजन का भी वन इस कार्बन का डिग्री क्या है एक इस कार्बन का इस हाइड्रोजन का अगर फाइंड करना है तो ये किसके साथ कनेक्टेड इसके साथ एक दो तीन मतलब ये ये क्या हो गया थ्री डिग्री अब इस इसका, इसका देखना है तो कार्बन किसके साथ एक दो तो तो बेटा ये कार्बन एक के साथ कनेक्टेड है तो थ्री डिग्री इधर फोर डिग्री है ये कार्बन अब इसके साथ हाइड्रोजन क्यों नहीं कनेक्टेड है कर दो सर क्या दिक्कत है ये लो तो सर इस हाइड्रोजन का डिग्री हो जाएगा फोर डिग्री कितना हो जाएगा सर फोर डिग्री अरे बेटा चांटे पड़ेंगे आपको चार डिग्री कार्बन पॉसिबल है क्या चार डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल है क्या नहीं क्यों क्योंकि अगर भैया आप इधर बॉन्ड बनाते हो तो ये तो ये कार्बन के साथ हो हो गई गई और कार्बन के साथ हो गई। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म कर दी भाई तुमने अलग से केमिस्ट्री बना दोगे क्यों क्योंकि एक दो तीन चार पांच पांच बॉन्ड थोड़ी ना बनेंगे यार अरे समझ में आ रहा है ना तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है तो इसके साथ मतलब फोर डिग्री हाइड्रोजन

क्या होता है ओ ग्रुप तो आपको यह देखना है कि यह ओ जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है यह ओएच जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है वही उसका क्या हो जाएगा बेटा डिग्री हो जाएगा जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है वही क्या हो जाएगा उसका डिग्री हो जाएगा तो देखो आप जल्दी से क्या होगा हमारे पास एक दो तीन बता दो भाई इस कार्बन एल्कोहल कहां कहां पर है सबसे पहले देखो ये एक एल्कोहल है इधर एल्कोहल है और इधर एल्कोहल है इनका डिग्री बताना है ये किसके साथ है इसके साथ तो ये कितना डिग्री वन डिग्री क्यों क्योंकि सर इस कार्बन का वन डिग्री है इसको अगर देखें तो ये इस कार्बन के साथ कनेक्टेड है इस कार्बन का डिग्री एक दो तीन तो ये कितना डिग्री हो गया थ्री डिग्री इसको अगर देखेंगे तो सर ये टू डिग्री और ये कितने डिग्री हुआ सर ये कार्बन कितना डिग्री है एक दो तीन तो ये कितना हो गया थ्री डिग्री क्लियर है भाई तो इस टाइप से आप कर सकते हो मेरे हिसाब से क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं है ये अलग है डिग्री ऑफ एम आइन डिग्री ऑफ एम आइन बोल रहा है कि मेरे साथ एम आइन क्या होता है पहले तो ये देखो एम आइन बोलते हैं एन टू ग्रुप को एनएच टू ग्रुप को तो ये बोलता है कि नाइट्रोजन के साथ जितने कार्बन डायरेक्टली अटैच होंगे नाइट्रोजन के साथ जितने कार्बन डायरेक्टली अटैच होंगे वो उसका डिग्री होगा नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली जितने कार्बन अटैच होंगे वो उसका क्या होगा बेटा डिग्री होगा तो इसमें अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा देखो अब R R बोलते हैं मतलब ये ग्रुप है जिसमें कार्बन है हमारे पास हाइड्रोकार्बन होता है बट मतलब कार्बन है इसके साथ आर एन एच टू मतलब क्या हो गया बेटा ये वन डिग्री क्यों क्योंकि इसके साथ एक कार्बन है एग्जाम्पल मैं इधर लिख देता हूं आपको जैसे सी एच थ्री एन एच टू हो गया तो इसके साथ कितने कार्बन अटैच है सर एक भी नहीं है सर एक भी नहीं है सर ये नाइट्रोजन तो हाइड्रोजन के साथ अटैच है अरे ऐसे थोड़ी ना है भाई ये कार्बन इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे तो इस कार्बन के साथ तो हाइड्रोजन है ना अरे इसके साथ तो तीन हाइड्रोजन है तो अगर किसी को ये कंफ्यूजन होगा तो वो क्लियर हो गया होगा तो ये क्या है बेटा वन डिग्री बात समझ भाई क्योंकि एक कार्बन कनेक्टेड है ठीक है आर एन एच आर इसको क्या बोलते हैं बेटा 2 डिग्री है माइन क्या बोलते हैं बेटा 2 डिग्री है माइन तो इसका एग्जांपल अगर देखना चाहो तो CH3 NH और इधर मैं लिख देता हूं C2H5 तो एक कार्बन ये एक कार्बन ये दो हो गए और देख लो 3 डिग्री 3 डिग्री में क्या होगा हमारे पास R N R R ये हो गए हमारे पास 3 डिग्री तो इसका अगर एग्जांपल देखना चाहो तो मतलब अब इसमें नाइट्रोजन के साथ तीन कार्बन अटैच होंगे जैसे मान लो CH3 आ गया इधर आ गया जरूरी नहीं अलग अलग हो सेम भी हो सकते हैं अलग भी हो सकते हैं कार्बन कैसा भी हो सकता है इधर तो ये कितना हो गया? थ्री डिग्री ऑफ कार्बन, तो तो कार्बन जितने कार्बन के साथ एक पर्टिकुलर कार्बन डायरेक्टली अटैच है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है उसका डिग्री सेम होगा डिग्री ऑफ एल्कोल में भी हम सेम चीज देखेंगे डिग्री ऑफ एमाइन में डिफरेंट होगा डिग्री ऑफ एमाइन में हम देखेंगे कि नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच है उतना उसका डिग्री होगा नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली अटैच विद नाइट्रोजन बात समझ में आ गई तो इस टाइप से हमने डिग्री डिफाइन कर दिए कार्बन की नाइट्रोजन की ठीक है सबकी कार्बन नाइट्रोजन मतलब एमाइन एल्कोहल और हाइड्रोजन अब इसके बाद एक टर्म आपने सुनी होगी सैचुरेटेड कंपाउंड

सैटिस्फाई होगी तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड क्या बोलते हैं बेटा सैचुरेटेड कंपाउंड क्या मतलब हुआ इसका देखो अगर मैं एग्जांपल लूं आपको कि क्या ये हमारे पास सैचुरेटेड है हाँ बिल्कुल ये सैचुरेटेड है क्यों क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड होता ही है ठीक है और देखो भाई क्या ये हमारे पास सैचुरेटेड है बिल्कुल ये भी है क्योंकि इसमें भी क्या है हमारे पास ओनली सिंगल बॉन्ड ही है ठीक है भाई भाई क्या 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 सर सर ये ये भी 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 है 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 इधर तो सर OH भी आ गया बोलो भाई, है क्या? हाँ, ये भी है क्योंकि इसमें भी ऑक्सीजन की बैलेंसी भी तो सिंगल बॉन्ड से हो रही है कार्बन की भी सिंगल बॉन्ड से हो रही है बात समझ में आई तो ओनली सिग्मा बॉन्ड रहेगा मतलब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उस वाले केस को हम क्या बोलते हैं सेचुरेटेड कंपाउंड और अगर देखना चाहो इस कंपाउंड को सेचुरेटेड बोलेंगे क्या हाँ ये भी कंपाउंड सेचुरेटेड है क्यों क्योंकि इसमें भी सारे के सारे क्या है बेटा सिंगल बॉन्ड ही है सारे के सारे बॉन्ड कौन से हैं सिंगल बॉन्ड है ठीक है ये आ गया हमारे पास अब सर अनसेचुरेटेड क्या होते हैं अनसेचुरेटेड मतलब थोड़ा सा कुछ मिस्टेक करना है मतलब अगर सिग्मा बॉन्ड के अलावा कोई भी एक बॉन्ड भी अगर अलग आ गया कोई भी एक बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड आ गया कौन सा आ गया पाई बॉन्ड आ गया तो अगर एटलीस्ट एक भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट हुआ तो वो कंपाउंड हमारे पास क्या होते हैं तो कंपाउंड कंपाउंड ए अनसे वन और मोर पाई बॉन्ड वन और मोर पाई बॉन्ड तो उस वाले केस में हमारे पास कंपाउंड कैसा हो जाएगा अनसेड हो जाएगा मतलब जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है कार्बन नाइट्रोजन डबल आ सकता है कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल आ सकता है कार्बन ऑक्सीजन डबल आ सकता है कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल आ सकता है देखो ये अगर हम बात करें तो देखो इसको आप अच्छे से जानते हो इसको बोलते हैं बेंजीन, ये कैसा है अनसेचुरेटेड क्योंकि पाई बॉन्ड है ये कैसा है अनसेचुरेटेड क्योंकि इधर भी पाई बॉन्ड है ये कैसा है अनसेचुरेटेड क्यों क्योंकि इसमें भी डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड है तो अगर एक भी पाई बॉन्ड आ गया तो वो अनसेचुरेटेड हो जाएगा सी एच थ्री सी एन सर ये पाई बॉन्ड है क्या ये अनसेचुरेटेड है क्या सर इसमें तो कहीं पर नहीं है तो बेटा इसको सही से लिखेंगे ना हम सही से लिखेंगे मतलब ये तो सीएस थ्री है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बट ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है कार्बन तो चार बनाता है एक इधर है मतलब तीन होंगे और नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाता है ये तो ये आ गया बोलो इसमें है नहीं है इसमें तो दो दो पाई बॉन्ड है अपने पास बात समझ मार बेटा तो इदर... <coughs> सॉरी तो ये भी कैसा है हमारे पास कंपाउंड तो सेचुरेटेड अनसे समझ में आ गया बेटा क्लियर है तो अब हमारे पास आते हैं पहले हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा जो आपके पीवाई क्यूज में भी आए हुए हैं और साथ ही साथ में हमारे पास पीवाई क्यूज में भी आए हुए हैं बेटा और दूसरा नॉर्मल क्वेश्चंस भी है बट ईयर नहीं लिख रखा है मैंने पीवाई क्यू का तो क्वेश्चन है हमारे पास द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन इज स्ट्रॉगेस्ट इन कार्बन जो कार्बन में कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है वो स्ट्रॉगेस्ट होती है उसका रीजन दे रखा है इट्स आयनाइजेशन पोटेंशियल इज लो इट्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज लो द कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी इज हाई इट्स एटॉमिक रेडियस इज स्मॉल तो हमने इसमें से किसकी बात कही थी सर आयनाइजेशन पोटेंशियल जैसी कोई बात नहीं करी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की भी कोई बात नहीं करी सर कैटेनेशन जो प्रॉपर्टी होती है उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड बनने हैं तो कार्बन कार्बन बॉन्ड अगर ये बनते रहे अगर ये स्ट्रोंग नहीं हुए तो बनेंगे नहीं मतलब ये बॉन्ड कैसे होने चाहिए स्ट्रोंग तभी तो क्या शो करेगा कैटेनेशन प्रॉपर्टी तो मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी क्या होनी चाहिए हाई इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या है बेटा स्ट्रोंग बॉन्ड एनर्जी हाई है मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसा है स्ट्रॉन्ग तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी चेन्नई क्लियर है बेटा करेक्ट आंसर क्या हो गया सी फॉर चेन्नई क्लियर है धोनी फैन चेन्नई है ना चलिए भाई ये करेंगे

एक कार्बन दो कार्बन तो इसके सर दो ही है तो इसका sp हो गया इसका सर एक हाइड्रोजन एक कार्बन एक कार्बन तो, तो टोटल कितने हो गए तीन तो इसका भी sp2 हो गया इसको अगर देखे एक हाइड्रोजन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन तो इसका तो सर sp3 हो जाएगा क्योंकि स्टेरिक नंबर देख रहा हूं मैं स्टेरिक नंबर इसका चार है तो sp3 अब इसको अगर देखे तो इसका स्टेरिक नंबर कितना है सर एक ये एक ये दो दो ही है एसपी इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें सर एक हाइड्रोजन एक कार्बन इसका भी दो ही है तो कार्बन और नाइट्रोजन तो कौन सा बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन तो इसके सराउंडिंग एटम भी एक ये कार्बन एक ये नाइट्रोजन तो दो एस पी मतलब इसका भी कौन सा है एसपी तो कितने हो गए एस पी हाइप्रोडाइज बोलो भाई एक दो तीन चार फिर से चेन्नई आंसर बोलो भाई क्लियर है फिर से क्या हो जाएगा हमारे पास चेन्नई ठीक है अगर sp2 पूछते तो एक दो दो हो जाते अगर sp3 पूछता है तो एक हो जाता क्लियर तीन चार ठीक है क्लियर है भाई तो आंसर क्या हो गया हमारे चेन्नई ये पी वाई क्यूज में प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा ठीक है नेक्स्ट देखते हम चलो हाउ मेनी पाई हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर देर इन द मोलिक्यूल ऑफ डाइसाइनो इथेन ये हमारे पास कंपाउंड दे रखा है डाइसाइनो इथिन होना चाहिए डाइसाइनो इथिन आएगा बेटा करो आप क्वेश्चन करो जल्दी से करो भाई क्वेश्चन करो क्या आएगा चलो तो इसको सर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे हम हमारे पास कार्बन है एक दो तीन चार एक दो तीन चार चार लिखे इसके बाद सर एक नाइट्रोजन है तो एक तो बॉन्ड ये बना लिया तो नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा इधर हमारे पास हाइड्रोजन उसने दे रखा है और इधर क्या दे रखा है डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड लगा दिया इधर एक हाइड्रोजन दे रखा है इसके बाद इधर फिर नाइट्रोजन है तो तीन बॉन्ड ये आगे अब हमें सबसे पहले करेंगे पाई बॉन्ड देखो पाई काउंट करने के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ तो तो, तो इसमें है ऑप्शन हमारे पास, तो पांच। पांच पास है क्या कोई ये सी तो करेक्ट आंसर क्या हो गया सी पूरा चेक ही नहीं कर बाकी को सिग्मा काउंट ही नहीं करने पड़ रहे सिग्मा काउंट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं फिर से क्या आंसर आ गया बेटा चेन नहीं अब सिग्मा काउंट करने तो एक बार देख लो एक सिग्मा सिग्मा में येलो कलर से कर रहा हूं एक दो तीन चार पांच छ सात सात सिग्मा जाएंगे तो सात सिग्मा पांच पाई करेक्ट आंसर क्या हो गया सी चेन्नई क्लियर है बेटा नेक्स्ट है हमारे पास चलो इसमें करेंगे हाइब्रिडाइजेशन बताना है ये कंपाउंड दे रखा है इन दिस कंप दिस हाइड्रोकार्बन हैज हाइड्रोडाइजेशन इन ऑन कार्बन आइटम पीवाई क्यू का क्वेश्चन है बेटा ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा जल्दी से करेंगे शाबाश तो सर सबसे पहले वही वीडियो पॉज करके करेंगे आप सॉल्यूशन नहीं देखेंगे बेटा तो ये हमारे पास सी एच पहले जैसे दे रखा है उसको सी एच टू मतलब पहले जैसे दे रखा है एक दो तीन चार चार कार्बन वन टू थ्री फोर चार कार्बन बना लिए पहले दूसरे के बीच में डबल बॉन्ड इसके बाद लास्ट के बीच में ट्रिपल बॉन्ड वैलेंसी कंप्लीट करेंगे एच, एच। चार बॉन्ड बनाने थे तीन बना रखे एक इधर चार हो रखे इधर एच ठीक है तो क्या बोल रहा है वो दिस हाइड्रोकार्बन हैज ऑन है कार्बन एटम किस किस टाइप का हाइब्रोटाइजेशन है तो इस कार्बन का एक दो तीन तीन बॉन्ड बना रखे तीन तीन में क्या आता है एसपी टू इसमें कितने बना रखे हैं दो और एक सॉरी सराउंडिंग एटम देखने हमें कितने बॉन्ड बना रखे वो नहीं देखने सराउंडिंग एटम कितने हैं वो देखने तो एक सराउंडिंग एटम दो तीन तीन सराउंडिंग एटम है इसमें हमारे पास एक दो तीन तो इसका भी क्या हो गया sp2 इसमें अगर देखेंगे एक ये एक ये इसके तो दो ही है तो sp और इसका कौन सा है sp मतलब हमारे पास दो ही टाइप के हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और sp इस बार हमारा आंसर क्या आ गया बॉम्बे क्या हो गया बेटा बॉम्बे कोई भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है क्लियर है चलिए तो बेटा ये इतना सा पोर्शन पड़ा है जिसमें हमारे पास -क्यूज आ चुके हैं ठीक है चलिए ये करेंगे हम बोल रहा था, बेसिक में से भी इसके बगैर तो वैसे भी अपनी ऑर्गेनिक हो ही नहीं सकती हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर इन तो सबसे पहले पाई बॉन्ड काउंट करो ये भी पीवाई क्यू का क्वेश्चन है सबसे पहले बॉन्ड काउंट करेंगे

कंप्लीट करेंगे चार चार वैलेंसी तो एच एच लगेगा इधर आप लगा के देख लेना कार्बन की वैलेंसी चार कंप्लीट करके इधर भी एक एच आएगा इधर एक एच आएगा इधर तीन आएंगे ठीक है अब काउंट कर लो तो आपको 19 सिग्मा मिल जाएंगे क्लियर है बेटा तो आंसर हमें तो ऑप्शन से मतलब आंसर निकालना है एग्जाम में क्लियर है बेटा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास

तो इस कार्बन को अगर देखोगे तो कैसा है एक और ये दो दो सराउंडिंग एटम है तो इसका हो गया एस पी और इसका भी क्या है एस पी मतलब ये कैसा है बेटा लीनियर अच्छा <laughs> किसी के माइंड में ऐसा भी हो सकता है या है कि सर लीनियर तो सभी है क्वेश्चन क्यों पूछा है देखो सर लीनियर ही तो है अरे ये तो नहीं आ रहा किसी के माइंड में बेटा ये बना रखे हैं ऐसे है नहीं सारे कंपाउंड ऐसे नहीं है ठीक है वो बनाएंगे तो ऐसे ही ना नहीं तो फिर पेपर पे कैसे आएंगे लीनियर मतलब आपको, कभी भी अगर इस की बात करें, तो आपको नहीं है इसमें आपको डाउट आएगा कि सर देखो इसका हाइप्रोटाइजेशन तो एसपी है इसका एस पी है तो ये तो लीनियर होना चाहिए ये तो लीनियर होना चाहिए बट ये लीनियर नहीं होगा रीजन क्या है क्योंकि इधर इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है sp3

दिल्ली हो गया क्लियर है ठीक है ये हो गया हमारे पास क्लियर है ना बेटा ये अब इसके बाद हम बात करेंगे आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड किसकी बात करेंगे बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास ये है एनसीईआरटी से चार्ट, चार्ट बनाया हुआ है बहुत इजी है बहुत सिंपल सा है देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड दो टाइप से हो सकते हैं या तो ओपन चेन मतलब कोई रिंग नहीं बनी हुई या फिर ऐसे कंपाउंड जिनमें रिंग बनी हुई है तो जिनकी रिंग नहीं बनी होती उनको बोलते हैं साइक्लिक मतलब जिस साइकल हो, साइकल हो, साइकल मतलब जिसमें साइकिल 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 हो 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 रिंग और एसाइक्लिक मतलब जिसमें नहीं हो तो असाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड दूसरा है हमारे पास साइक्लिक या उनको क्लोज बोल सकते हैं या रिंग कंपाउंड बोल सकते हैं ठीक है इसमें हम अगर एग्जांपल ले तो हमारे पास दो टाइप के कंपाउंड बनते हैं अगर आगे और करना है तो इसमें अगर मैं लिखूं तो दो टाइप का और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं आगे कौन कौन सा एक होता है हमारे पास सैचुरेटेड ठीक है और दूसरा होता है हमारे पास अनसेटेड सेचुरेटेड का एग्जाम्पल सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं मैंने बता रखा है आपको तो सैचुरेटेड का अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है तो इसका एग्जाम्पल लिख लो आप एलकेन ठीक है और अनसेचुरेटेड साइकिल एसाइकिल कंपाउंड हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं कौन कौन से एक होता है एल्किन एक होता है एल्काइन एल नाइन टेंथ में पढ़ाया बेटा आपने ये एक होता है एल्काइन एल्केन का जो फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला सी एन एच टू एन प्लस टू नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगा ये ठीक है और एल्किन का क्या होता है सी एन एच टू एन और इधर होता है मतलब दो दो हाइड्रोजन कम हो रहे हैं N की वैल्यू वैल्यू रखना है इंटीजर में पढ़ा हुआ आपने अब इसके बाद आता है साइक्लिक अब साइक्लिक में उसने दो टाइप से कर सकते दो टाइप से क्यों एलिइकिल कंपाउंड या फिर इनको एलिफेटिक भी बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा

होमोसाइकिल एट्रोसाइकलिक क्या होते हैं अभी बस नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगा ठीक है अब आता है पास, तो में पास उसने तीन टाइप से क्लासिफाई किया हुआ है कौन कौन सा एक है हमारे पास बेंजीनोइ कंपाउंड होते हैं जिनमें बेंजीन होता है ठीक है जिसमें क्या होता है हमारे पास बेंजीन होता है मतलब ये हो गया जैसे इसको बेंजीन बोलते हैं आपको पता है और क्या हो सकता है नेपथली ठीक है एरोमेटिक क्या होते हैं वो आप बेटा अभी आगे क्लासेज में पढ़ोगे अभी हम वो चीज डिस्कस नहीं करेंगे ठीक है पास। सिर्फ एक, ही मैं नहीं बेटा। एक आता है हमारे पास जैसे मान लो सिंपल थ्री में बता देता हूं आपको ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है ठीक है मतलब बेंजीन नहीं होनी चाहिए तो वो नॉन बेंजीनोइड आ गया तीसरा है हमारे पास

होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड नेम से पता चल रहा है होमो मतलब सेम होमो मतलब सेम और सेम मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूंगा तो कार्बन मतलब ऐसी कार्बन से, 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 से तो साइकिल विच हैव रिंग अप ऑफ कार्बन ओनली जो रिंग है वो ओनली किससे बनी हुई है कार्बन से इसका मतलब ये कतई नहीं हुआ कि उसमें और एटम है ही नहीं वो बोल रहा है कि रिंग कार्बन एटम से बनी होनी चाहिए मतलब अगर मैं सिक्स हूं तो ये कार्बन होने चाहिए सभी अब इसके साथ हाइड्रोजन तो है इधर यार मतलब ये कहीं नहीं जाने वाले बट रिंग किससे बनी हुई होनी चाहिए हाइड्रोजन कार्बन से बात समझ मारिये बेटा कार्बन के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए एच 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 अब इसमें हमारे पास अगर एरोमेटिक होगा तो एरोमेटिक बोल देते हैं एरोमेटिक नहीं होगा तो एलिफेटिक हो जाएगा बट ये साइक्लिक है और साइक्लिक में कौन सा है बेटा होमो साइक्लिक में कौन सा है होमो या फिर कार्बोसाइक्लिक नेम से ही पता चल रहा है इधर तो कार्बोसाइक्लिक मतलब जो साइकिल बना हुआ है जो रिंग बनी हुई है वो ओनली किस किससे होनी चाहिए कार्बन से अब देखो इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है आपको कि यह होमोसाइक्लिक है या फिर हिट्रोसाइक्लिक है होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक है तो बच्चों को दिखता है ऑक्सीजन सर कार्बन नहीं है उसके अलावा दूसरा आइटम है इसका मतलब क्या हो गया हेट्रोसाइक्लिक और अगर किसी ने हेट्रोसाइक्लिक बोल दिया तो बेटा रॉन्ग हो जाएगा ये कैसा है हमारे पास होमोसाइक्लिक है क्यों क्योंकि आपको रिंग के बाहर क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है आपको सिर्फ और सिर्फ रिंग को देखना है इधर तो सारे के सारे एटम क्या है हमारे पास कार्बन ही है सारे के सारे एटम क्या है हमारे पास कार्बन ही है तो ये बेटा होमोसाइक्लिक होगा तो आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी चीजें कि रिंग जो बन रही है वो कार्बन से बननी चाहिए रिंग के बाहर क्या हो रहा है उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और एग्जांपल देना चाहे तो देखो ये भी हमारे पास क्या है होमोसाइक्लिक है इसमें भी देखो थ्री मेंबर रिंग है इधर कार्बन इधर कार्बन इधर कार्बन।, कार्बन क्लियर है भाई चलिए नेक्स्ट है हमारे पास ट्रोसाइक्लिक हिट्रोसाइकलिक में क्या है हिट्रोसाइकलिक में आएगा हमारे पास अब इसमें अगर एक भी एटम रिंग में कार्बन के अलावा दूसरा हुआ तो उसको हम बोल देते हैं हिट्रोसाइक्लिक ठीक है तो द साइक्लिक कंपाउंड विच रिंग इन विच देयर इज एटलीस्ट वन एटम अदर देन कार्बन एटलीस्ट वन एटम अदर देन कार्बन तो इस टाइप के कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड सर एग्जांपल दे दो एग्जांपल लो बेटा भर-भर के एग्जांपल लो आपको कितने चाहिए ये हो गया टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन बोलते हैं इसको टीएचएफ और से ये इसमें रिंग साइज बढ़ा दूंगा मैं ये हो गए हमारे पास ये भी हेट्रोसाइक्लिक है बोलते है बोलते हैं हैं इसको बेटा क्या पायरीडीन इंपॉर्टेंट कंपाउंड है क्लियर है बेटा तो ये सारे क्या हो गया हमारे पास क्यों इसमें देखो रिंग किसका में इसमें ऑक्सीजन किसका में है? रिंग का इसमें भी ऑक्सीजन इसमें नाइट्रोजन तो ऐसा अगर आता है तो वो कौन से हो जाएंगे हमारे पास हेट्रोसाइकिल कंपाउंड ठीक है तो इस मतलब जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसमें अब कोई भी टर्म ऐसी नहीं बची है जो आपको नहीं आती है

तो ये दो कार्बन दो रिंग है पास कॉमन कार्बन कौन सा है ये कार्बन कॉमन है ये कौन से कार्बन है बेटा कॉमन कार्बन है। कॉमन कार्बन ठीक है बात समझ में आ गई तो ये कौन सा कंपाउंड हो गया हमारे पास ओ सॉरी बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या हो गया बेटा बाईसाइक्लो कंपाउंड थोड़ा अच्छे तरीके से लिखना चाह रहा था मैं इसको ओ, हाँ अभी अच्छा लग रहा है ना देखो भाई इसको ये लोगो पूरा कर देते हैं और अगर बनाना चाहे तो और बना सकते हो जरूरी नहीं कि दोनों रिंग का साइज सेम ही हो ऐसा भी हो सकता है हमारे पास ये भी क्या है हमारे पास बाईसो कंपाउंड क्यों इधर भी कार्बन है ये कार्बन है दोनों में कॉमन है तो ये क्या हो गया हमारे पास बाई साइकिलो कम्पाउंड मतलब जिनमें दो कार्बन या दो सर दो से ज्यादा वाला एग्जाम्पल दो।, दो से ज्यादा वाला एग्जाम्पल ले लो भाई ये ये लो भाई अब हमारे पास तीन कार्बन कौन कौन से एक दो तीन ये तीन कार्बन दोनों रिंग में कॉमन है तो इधर कितने आगे तीन आगे बात समझ में आ गई तो इस टाइप के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं बाईसाइक्लो बाईसाइक्लो अच्छा बाई में हमारे पास एक दूसरा बाईसाइक्लो भी होता है आइसोलेटेड बाईसाइक्लो कंपाउंड आइसोलेटेड में क्या होता है जब दो रिंग आइसोलेट हो रखी हो सिग्मा बॉन्ड से ठीक है टू रिंग्स डायरेक्टली अटैच विद बाय ए सिग्मा बॉन्ड मतलब

ये हमारे पास कॉमन आ गया ये कार्बन क्या है बेटा दोनों में कॉमन है ये इस रिंग में भी कॉमन है थ्री रिंग रिंग और इस में, इस रिंग में भी कॉमन है। तो ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड है स्पाइरो स्पाइरो पास बेटा क्लासिफिकेशन हो गया क्लियर है बेटा ठीक है तो ये हमारे पास बेटा अब हमने क्या क्या पढ़ लिया है आज ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है ये पढ़ लिया है हमने ठीक है कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चरल किस किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जितना हमें पता होना चाहिए वो पता है ठीक है उसके बाद इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है वो पढ़ चुके हैं हम ठीक है स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे अगर हमारे पास एसपी थ्री है चार सिग्मा है टेट्राइडल एस पी टू है प्लेनर और एसपी है तो लीनियर ठीक है इस टाइप से हम करते हैं उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट करना ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं ठीक है अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नोमन क्लेचर क्या पढ़ेंगे बेटा नोमन क्लेचर आई यूपीएस नेक्स्ट क्लास में आने वाला है तो आई होप बेटा आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी अब आपका काम ये कि अच्छे से आप अपने नोट्स बनाएंगे अभी तक आपके साथ क्या हुआ है आप नहीं पढ़ पाए किसी भी रीजन से उसके बारे में नहीं सोचे अभी आपके पास टाइम है अपॉर्चुनिटी है और बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है तो अच्छे से पढ़े बेटा ठीक है और जो भी आपका जो मिस हुआ है वो वाला पार्ट अच्छे से कवर करे और अपनी पढ़ाई रेगुलर रखे ठीक है तो ऑल द वेरी बेस्ट अच्छे से पढ़ते रहे मुस्कुराते रहे स्वस्थ रहे थैंक यू